हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो स्टार्ट करते बेला से। तो बेला अपने अपकमिंग ट्रैक्स के बारे में कुछ बात करते हैं। मैं अपना सारा पुराना साउंड रिलीज कर रहा हूँ धीरे धीरे थ्रू लेबल्स, ताकि एक न्यू एल्बम ड्रॉप करूँ नेक्स्ट ईयर, द बेस्ट एल्बम। तो अभी के साउंड को बस एंजॉय करो, दिल से सुनो और बस एल्बम का वेट करो। इस बार बस एल्बम बोलेगी। मेरी नेक्स्ट एल्बम से पहले जो भी रिलीज हो रहा है, कंसिडर इट एज ट्रायल्स एंड ओल्ड स्टफ। वेव टू इज कमिंग सूनर देन यू थिंक। तो बेला की बात हो ही रही है, तो डीनो जेम्स जो है वो कल लाइव आए थे अपने इंस्टाग्राम से, और वहां पे उन्होंने बात करी थी बेला के बारे में। ऑल आर गुड ब्रो, ऑल आर्टिस्ट आर अमेजिंग, बेला इज अमेजिंग। बेला का फ्रीस्टाइल एंड बेला का एवरीथिंग आप हम कीप लिसनिंग टू इट। उसने असल का भी जो गाना बनाया था, इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी गुड। सो शाउट आउट टू बेला, वेरी ग्रेट, गुड आर्टिस्ट ब्रो, आई मीन अमेजिंग आर्टिस्ट, वेरी डीप, वेरी सॉलिड। सो ऑल लव टू एवरीवन, यू नो, प्यार फैलाओ यार। आई नो कि आप लोग को आपस में लोग भिड़ते हैं, देखने में बड़ा मजा आता है। प्यार फैलाओ लोगों की, अच्छी अच्छी बातें। रफ्तार ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट ब्रो, आई मीन रफ्तार इज अ ग्रेट आर्टिस्ट, ऑल लव टू हिम। इज अ मल्लू, वो भी मल्लू, मैं भी मल्लू, मल्लू मल्लू ब्लड मिले नहीं हम लोग बहुत टाइम से। रफ्तार लिव्स वेरी क्लोज बाय, मतलब बहुत पास में ही रहता है बॉम्बे में यहाँ पर, लेकिन हम लोग मिल नहीं पाए, लेकिन मिले हैं, मतलब कम मिले, तो जल्दी मिलेंगे। सो वाओ Yeah, bro, with everyone, Divine, Anyways, Seven Bantai, Ika Raftar, Vacha, all the people, bro. I mean, King, DMC, DPR, everybody. To like, all love to everyone. So, collaboration karunga. Oh, wow. That's it. इसके अलावा श्लोका भी कल लाइव आए थे अपने इंस्टा से, और वो फिर से एक बार बेला के बारे में बात करते हैं। बेला वर्सेस श्लोका देखना है। नहीं भाई, जितना बोलना था उतना कल बोल दिया है, और चूंकि बोलना जरूरी था, एक ही साइड का आप लोग कहानी जान रहे थे, इसीलिए दूसरे साइड का स्टोरी भी रखना जरूरी है। ऐसा नहीं है ना कि चुप है कोई तो कमजोर है भाई, या कोई डर गया है, तो ऐसा तो है नहीं, है ना। तो अपना पक्ष रखना जरूरी था, मैंने रखा। जिन्हें अच्छा लगा अच्छा लगा, जिन्हें खराब लगा मैं उतना केयर ही नहीं करता भाई सब चीज़ों की। ना मुझे लाइव आके ऐसे करने की आदत है, लोगों के नाम लेना या कुछ भी। ये आप लोग मुझे हसल से, जो लोग भी हसल के बाद ही जानते हैं, आप लोग तो हसल से देख रहे होंगे मुझे। कभी इस 3 सालों में मैंने कभी, मेरा ऐसा बिहेवियर नहीं रहा है किसी को भी लेके। तो अब बात कर लेते हैं डिवाइन के बारे में। तो डिवाइन का गुनेगार ट्रैक ड्रॉप हो चुका है म्यूजिक वीडियो के साथ में, साथ ही कर्मा का लेसन्स ट्रैक भी आ चुका है, और आज़ादी रिकॉर्ड्स से रिबेल 7 और हुजूर का नसीब ट्रैक भी। एलान रिकॉर्ड्स अंडरग्राउंड का फर्स्ट ट्रैक ड्रॉप हुआ है, जिसका नाम है आत्मविश्वास, और यह है कुमुद का। तो अब बात कर लेते हैं मिंटा के बारे में। तो मिंटा एक कम्युनिटी पोस्टर डालता है, कमिंग लाइव ऑन माई यूट्यूब चैनल ऑन 1st October, लेट्स कैच अप टू शेयर वन ऑफ द बिगेस्ट मूव ऑफ माई लाइफ विथ यू गाइज। It's been a long journey. Let's celebrate the end of current chapter and beginning of a new chapter. तो देखते हैं मिंटा क्या चीज बताने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं MC Insane के बारे में। तो MC Insane ने एक स्टोरी डाली थी कुछ ऐसी, This youngster is delivering an album just to change our freaking life. This will be remembered forever. तो अब बात कर लेते हैं शेट्टी सा के बारे में। तो शेट्टी सा ने अपना काफी टाइम बाद एक ट्रैक अनाउंस करा है, जिसका नाम है खाली रात। तो अब बात कर लेते हैं लिल नैस एक्स के बारे में। तो लीग ऑफ लेजेंड्स जो गेम है, उसके अभी प्रेसिडेंट बन चुके हैं लिल नैस एक्स। तो अब बात कर लेते हैं पीएनबी रॉक के बारे में। पीएनबी रॉक की डेथ के बाद एक काफी बड़ी अपडेट निकल के आई है। तो पीएनबी रॉक का जितना भी म्यूजिक है, उन सब के मास्टर राइट्स उन्हीं के पास है। तो जितना भी रेवेन्यू उनके म्यूजिक से जनरेट होगा, वो डायरेक्टली उनकी फैमिली को जाएगा, ना कि किसी लेबल वगैरह को। तो अब बात कर लेते हैं एनबीए यंग बॉय के बारे में। तो इस साल NBA Youngboy ने करीब 86 सॉन्ग्स ड्रॉप करे हैं। तो अभी काफ़ी टाइम है साल खत्म होने में, तो हो सकता है ये 100 भी टच कर जाए। तो अब बात कर लेते जे कोल के बारे में। तो जे कोल, JID और मीनो जो है वो साथ में स्टूडियो में देखने को मिले हैं। तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।